सूर्य नौ ग्रहों में राजा माना जाता है और सूर्य सभी 12 राशियों में एक साल में अपना चक्र जो है पूरा करते हैं। सूर्य का हर महीने में राशि परिवर्तन करना अपने आप में ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दिनांक 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपने खुद की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब भी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। जैसे जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसे उसी राशि के नाम की संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो इस सूर्य की सिंह संक्रांति, इसको जो है सूर्य की सिंह संक्रांति कहा जाएगा। दिनांक 17 अगस्त को सुबह 6:44 पर सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश शुरू होगा, जो पूरा 7 घंटे के तक रहेगा या 7 घंटे के बाद में इसका जो पुण्यकाल होगा वह दोपहर में 1:44 पर होगा, जब सूर्य पूर्ण रूप से अपनी राशि में आकर के अपना एक महीने का गोचर जो है शुरू कर देंगे। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश कर रहे होंगे तो उनको सुबह से दोपहर तक कुल 7 घंटे का समय लगेगा। इन 7 घंटों में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और सूर्य पूजन करना भी शुभ माना जाता है। स्नान आदि के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुमकुम मिलाकर एक लाल फूल रखकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र आपने स्क्रीन पर भी देखा है। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजन सूर्य संक्रांति के समय करना चाहिए और ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य जब तक सिंह राशि में रहते हैं तब तक खाने में घी का सेवन अधिक करना चाहिए और पूरे एक महीना सूर्य को सुबह जल अर्पित करते रहने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्य को प्रणाम करके सूर्य की शक्ति और बल के साथ आशीर्वाद पाने के लिए ओम सूर्य देवाय नमः यह अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के कर्क राशि से निकलकर अपने खुद की सिंह राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन आज मेरा यह जो पहला वीडियो है यह पहली 4 राशि यानी मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि पर सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में है। बाकी की जो 4 राशियां हैं वह मैं कल बताऊंगा, सिंह कन्या तुला और वृश्चिक की, और बाकी धनु मकर कुंभ और मीन यह परसों मैं आपको पोस्ट करूंगा। और इसके अलावा जो पहले मैं आपको एक आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के भी बटन को दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी मैं फुर्सत मिलने पर सप्ताह में 2-3 दिन जो है शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में लाइव आया करता हूँ आपके लिए। उस लाइव शो में कुछ नई जानकारियाँ, कुछ अच्छी जानकारियाँ, कुछ उपयोगी जानकारियाँ मैं बताया करता हूँ। आप मेरे लाइव वीडियो के साथ में भी जुड़े और जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप मेरे को फ़ोन करके उस समय भी कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य के अपनी सिंह राशि में गोचर करने से पहली 4 राशियां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली 4 राशि कौन सी, मेष वृषभ मिथुन और कर्क।
तो सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ कि सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा। मैं सब राशि के साथ में उपाय भी बताता रहूँगा। मेष राशि, सूर्य आपके लिए पांचवें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है। पांचवें भाव से हम बुद्धि है, यश है, मंगल कार्य है, ननिहाल है, हृदय रोग है, छाती के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सूर्य आपके पंचम भाव में अपने ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन की अनेक घटनाओं पर सीधा पड़ेगा। सूर्य के पंचम भाव में गोचर का फल आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सोचे हुए काम भी अब आगे बढ़ेंगे। आप में एक नई एनर्जी का संचार होगा। आपको सफलता और तरक्की मिलेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस गोचर के दौरान आप शुरू कर सकते हैं। सूर्य आपको आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जो है लौटाएगा। आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। कार्यस्थल पर आपको आपका जो है मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। कार्य का विस्तार होगा। लाभ की स्थिति बनेगी। धन लाभ के अनेक अवसर आपके पास में आएंगे। नया काम शुरू कर सकते हो तो जरूर करें। बेरोजगार हैं अगर आप तो नौकरी या जॉब की प्राप्ति इस गोचर में हो सकती है। आय का नया मार्ग खुलेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो या फिर किसी प्रकार की प्रैक्टिस में हैं आप तो भारी सफलता इस गोचर के दौरान आपको मिलने के योग प्रबल बन रहे हैं। विद्यार्थी और परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को सफलता जो मेष राशि के उनको सफलता मिलेगी। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तजुर्बे में बढ़ोतरी होगी इस गोचर के दौरान। आपकी महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी होगी। सफलता पाने के लिए प्रयास सफल होंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति और प्रगति होगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा वरना कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा लेकिन अनियमित खान पान के कारण गैस, एसिडिटी, अपच या गैस पेट से संबंधित कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। नवविवाहित जोड़े हैं, संतान के लिए आप थोड़ा प्रयास करो तो जल्दी आपको संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल जाएगी। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति इस गोचर के दौरान आप बहुत आकर्षित रहेंगे। मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप नियमित सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सुबह सुबह उगते सूर्य को जल का हमेशा रोजाना अर्घ दिया करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य जो है चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। चौथे स्थान में हम भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती के ऊपर का भाग आदि के विषय में जान सकते हैं। सूर्य अब आपके चौथे सुख स्थान में गोचर करने से आपके लिए अनेक प्रकार से सुख यानी भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान आप साझेदारी में कोई भूमि अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। जब जीवन में सुख वृद्धि होता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, इसलिए यह महीना आपके लिए खर्चे को बढ़ाने वाला भी रहेगा। केंद्र भाव में सूर्य के गोचर के वक्त इंसान में थोड़ा सा घमंड या अहंकार बढ़ जाता है। इसी वजह से अपने खास या नज़दीकी लोग अक्सर नाराज भी हो जाते हैं। नौकरी आदि में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। यह गोचर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला और खुशियां देने वाला रहेगा। आप अगर आलस और लोग क्या कहेंगे जैसी शर्म करने जैसी बातों को त्याग देंगे तो और मेहनत करेंगे तो इसका परिणाम जो है आपके लिए बहुत अच्छा मिलने वाला है। सूर्य प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। भूमि, भवन, वाहन आदि लेने की इच्छाओं को आपके पूरा करेंगे। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं का भी बहुत अच्छा विस्तार इस गोचर के दौरान होने का आपके योग बन रहा है। आप अगर अहंकार से दूर रहे तो अपनी कला और विनम्र व्यवहार से समाज में अपनी पहचान अलग बनाने में सफल हो जाएंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्यार के जो है मामले फिर से आगे बढ़ेंगे। प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। इनाम या उपहार की प्राप्ति होगी। माता की सेहत में कुछ खराबी आ सकती है या इस गोचर के दौरान आपकी माता से किसी बात पर मतभेद भी हो सकता है। सूर्य का गोचर आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी करेगा, इसलिए अगर आप चाहें तो भूमि, भवन, वाहन या ज्वेलरी आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
यह गोचर जो है आपके काम को, आपकी आर्थिक स्थिति को और आपकी जो है प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं, क्योंकि घर में बैठे अच्छे और लाभदायक ऑफर या प्रपोजल मिलने वाले हैं। अगर अविवाहित हैं तो इस गोचर के दौरान आप थोड़ा प्रयास करें तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलने का भी योग है। मैं वृषभ राशि के लिए उपाय बता देता हूँ। गेहूं का आप दान करें और गेहूं से बनी रोटी गरीबों में, गायों में आदि को बांटे देवें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। तीसरे स्थान में हम कुंडली में अगर देखें तो छोटे भाई बहन अपनी मेहनत करने की शक्ति, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला है, कान है और श्वास संबंधी रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में सूर्य आपके तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर लाभदायक रहने वाला है। सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि जो है आपके नौवें भाग्य स्थान पर रहेगी, इसलिए यह सूर्य का गोचर आपके लिए मेहनत और भाग्य दोनों के आधार पर फल देगा। इस गोचर के दौरान आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोई नया काम करने की प्रेरणा मिलेगी और अगर आप चाहें तो नया काम शुरू भी कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, नए लोगों से परिचय आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। भाई बहनों के साथ में आपका रिश्ता जो है गहरा होगा और समय पर उचित सहयोग मिलने से खुशियां भी बढ़ेगी। आर्थिक लाभ पाने के लिए यह गोचर आपका पूरा सहयोग करेगा। आपका व्यापार में, व्यवसाय में जो है गति बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी काम जो है आप जिसमें भी हाथ डालेंगे वह काम में आपको जो है सफलता मिल जाएगी। आपके प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, शत्रु जो है परास्त होंगे, पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। अगर आप विवाहित है तो आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेगा और अगर आप अविवाहित है तो विवाह प्रस्ताव आने की पूरी पूरी संभावना है और योग भी बने हुए हैं। प्रेम प्यार के लिए भी यह समय जो है बहुत अनुकूल है, लेकिन अब आपका प्रेम गुप्त नहीं रहेगा, इसलिए बचकर रहना अच्छा रहेगा, वरना बदनामी होने के पूरे योग है। इस समय में जो काम चल रहा है उसी पर आप ध्यान दें। इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कोई छोटी छोटी खुशियां भी आएगी। पराक्रम स्थान में सूर्य का गोचर आपको हिम्मत और बहादुरी के साथ सभी प्रकार के जो कष्ट है उसमें संघर्ष करके विजय दिलाने वाला सहयोग या आशीर्वाद देगा। लगभग इस महीने में निश्चित ही कोई यात्रा आपको करनी पड़ेगी। आप अपने वाणी को थोड़ा सा नरम रखें, सब जगह आपकी जीत के परचम लहराएंगे। कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला रहेगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि इस गोचर के दौरान आप तेल में तले हुए पकौड़े लोगों में बांटें और पशु पक्षियों को भी खिलाएं। अब बात करते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य देव जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके सूर्य जो है दूसरे धन स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह दूसरे भाव में गोचर आपके लिए धनवृद्धि और परिवार में कुछ परेशानियों के बाद में शांति का फल प्रदान करेगा। सूर्य समाज और परिवार में कुछ अहम रोल निभाने में भी आपके लिए मदद करेगा और मान सम्मान में आपके वृद्धि करेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो थोड़ा सा प्रयास शुरू करें, आपको जीवन साथी मिल जाएगा। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके आठवें मृत्यु स्थान को देखेंगे। यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अगर पिछले समय से कुछ डामाडोल रही है तो अब फिर से पटरी पर लौट आएगी और इस गोचर में आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा। आप अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग जो है करेंगे तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा, सुखद और लाभप्रद बीतने वाला है। लापरवाही और आलस से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मित्रों के बीच में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे न हाँके और न ही कोई ऐसा झूठा वादा करें जो आप निभाना ही नहीं चाहते। नए काम हो या कोई बड़ा सौदा इस गोचर में आपको अक्सर जरूर मिलेगा और आपकी योग्यता और प्रतिबद्धता जो है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा।
कि आप इस अवसर को कितना लाभ, इस जो आपको अवसर मिल रहा है सूर्य के वजह से, तो उसका कितना लाभ आप उठा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप जो है इस अवसर का कितना लाभ उठा सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। कुछ मेहमान आपको पसंद आएंगे और कुछ मेहमान आपको पसंद नहीं आएंगे, फिर भी आपको सबका स्वागत जो है हंसकर ही करना पड़ेगा। जमा पूंजी बढ़ेगी और आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। परिवार के किसी युवा सदस्य की सगाई आदि हो सकती है और संतान का भी सुख मिलेगा। विवाहित जीवन आराम से कटेगा, तो दूसरी ओर आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग जो है वह खुश रहेगा और नौकरी में कोई खास जिम्मेदारी का काम भी आपको मिलने का योग है। हो सकता है आपको वेतन, आपका जो वेतन है बढ़ जाए और साथ में जिम्मेदारी भी बढ़ जाए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जो मौसमी तकलीफें होती है वर्षा ऋतु में, जो जिस प्रकार की तकलीफें हो सकती है, उस प्रकार की कोई छोटी मोटी तकलीफ होने का योग है। तो ऐसा कोई वायरस आदि से, फ्लू के या किसी प्रकार के वायरस आदि से आप बचकर रहें तो यह ठीक रहेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में यह गोचर जो है लाभप्रद रहने वाला है। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप नियमित जल में दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ दें और जल में एक पीला फूल भी रख दें और सूर्य मंत्र जो है बोलते हुए ओम सूर्याय नमः या कुछ भी सूर्य ओम भास्कराय नमः, कुछ भी सूर्य का मंत्र बोलते हुए अर्घ देते रहें। यह था आज के वीडियो में सूर्य के अपनी सिंह राशि में गोचर करने से पहली चार जो है मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी, मेरा वीडियो, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और नीचे सूर्य देव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए ओम सूर्य देवाय नमः या ओम सूर्याय नमः यह अवश्य लिखें। कल मैं दूसरी जो है चार राशि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में वीडियो पोस्ट करूंगा, बताऊंगा आपको। तब तक जय जिनेंद्र।